फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि जो आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है वो आपके लिए क्या चाहती है, यानी कि आपकी आज उसका कनेक्शन आपके साथ दिखाया जाएगा कार्ड में। और भी कार्ड आएंगे लेकिन आप जो हो उसके लिए स्पेशल हो। आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी आपके लिए क्या चाहती है? कहीं ये तो नहीं ये चाहती है कि आप सदा ही उसकी लाइफ से निकल जी? अब ये कार्ड देख के ही पता चलेगा। ये जो रीडिंग है ये ही शी सेम जेंडर मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको एक ऐसी प्यारी सी क्लैरिटी और एक ऐसी एडवाइस जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए क्या लेके आ रही है, यानी कि थर्ड पार्टी आपके लिए क्या चाहती है। आज थर्ड पार्टी देखते हैं क्या ईश्वर से कह रही है, आपके लिए कुछ अच्छा सोच रही है या बुरा सोच रही है। चलिए शुरू करते हैं, रीडिंग बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स गाइड फर्स्ट कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ कप्स। देखिए थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और नंबर थ्री ना आए, थ्री ऑफ पेंटिकल। लीजिए ये भी हजूर आने थे, द फोर्थ। लीजिए नाइन ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल। द एम्परर का कार्ड। द चैरियट का कार्ड। गाइस, रीडिंग का सारे कार्ड का पासा पलट गया। बॉटम क्या है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ चारों साइन आया, यानी कि 12 राशियों के ही कार्ड है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है, और वाटर साइन सबसे कम है। तो गाइस नंबर बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपके और पर आपके पर्सन के लिए ये इम्पोर्टेंट नंबर हो। नंबर टू इम्पोर्टेंट है, नंबर थ्री इम्पोर्टेंट है, नंबर फोर इम्पोर्टेंट है, नंबर नाइन इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर इलेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर ट्वेल्व इम्पोर्टेंट है। तो गाइस ये नंबर इम्पोर्टेंट है, और नाइन जो है, नाइन नंबर जो है रिपीटिंग नंबर है, हो सकता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये वो नंबर है, इन नंबर्स हैं 14 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी मैं भूल गई थी, 14 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। तो मैं आपको बता दूं,
हो सकता है इन नंबर्स को आपकी कुछ ऐसी यादें हों जो आप सदा आपके पर्सन के चाहे पास होते हो दूर होते हो आपके दिल में उन यादों ने घर कर रखा है। जैसे आपके पर्सन से पहली बार मीटिंग या एक साथ बैठ के लंच करना या कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें जिनको आप कभी नहीं भुला पाओगे। जैसे यहाँ 14 नंबर रिपीट हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आपके पर्सन ने 14 फैब को यानी कि वैलेंटाइन डे को प्रपोज किया हो या किसी चीज़ के लिए विश किया हो, बर्थडे भी हो सकता है। तो चलिए रीडिंग का क्या टॉपिक है कि आपकी थर्ड पार्टी आपके लिए क्या चाहती है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। गाइस जहाँ थर्ड पार्टी की बात करिए तो यहाँ लगता है कि थर्ड पार्टी जो है काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी तेज है, क्योंकि यहाँ वाटर साइन बहुत कम आया है। इमोशनल ज़्यादातर किसी से वास्ता नहीं रखती, बहुत चालाक है थर्ड पार्टी। वो इनकी फैमिली भी हो सकती है या कोई क्रश भी हो सकता है। तो गाइस बहुत चालाक है, अपनी फीलिंग छुपाने वाली है और दिल जो है कलेजा जो है उसका पत्थर का है। और आपके पर्सन जो है भोले भाले हैं और रूल रेगुलेशन पर चलने वाले यानी कि लकीर के फकीर इंसान है, जो बात सही होगी उस पे डट के खड़े होने वाले। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैमिली भी हो सकती है, उनका क्रश भी, इसके पास नेगेटिविटी है, कंट्रोलिंग नेचर है कि आपके पर्सन को कैसे अपनी तरफ करना, बेकाना है, फुसलाना है, और वो सारी चीज़ें जो आपके साथ आपके पर्सन की कनेक्शन है उसको कैसे दूर करना है। थर्ड पार्टी काफ़ी चालाक है और काफ़ी प्रैक्टिकल है, बड़ी छुपी रुस्तम है, अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करती। इसी चक्कर में आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी आपके लिए क्या चाहती है। आपके लिए गाइस सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है। सबसे पहले मैं बताऊं, थर्ड पार्टी बहुत सोचती है, जो चीज़ें जो जो परेशानियां उसने आपको दी है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने कई दिनों से बातचीत नहीं की और आपके लिए रास्ते जो है बंद कर दिए हैं। तो थर्ड पार्टी बहुत सोचती है और यही सोचती है कि आपके पास एक इंतज़ार है, आप होप कर रहे हो और ये इंतज़ार आपका बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। भले ही आप जितने मर्जी पॉजिटिव हो के, आप में से ज़्यादातर लोग कहते होंगे कि पॉजिटिव होंगे तो चीज़ें हमारी जल्दी होंगी, लेकिन वो जो है थर्ड पार्टी जानती है कि आप अपने पर्सन का फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो चाहती है आपका ये इंतज़ार बढ़ता ही जाए। वो सारा दिन इसी चीज़ को सोचती है, आज यही सोचती है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ ना जाए। एक दिन आप इंतज़ार करके थक जाएंगे और एक साइड अपने आप ही हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, बहुत छुपी रुस्तम है, अपनी फीलिंग छुपाती है और प्रैक्टिकल ज़्यादा है। अपने आसपास उसके हर वक्त नेगेटिव दिमाग में, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चीज़ें, हमेशा सही को भी गलत नज़र आता है। जिस इंसान को सही को गलत नज़र आता है तो इसका मतलब है उसके दिमाग में जो है खूब नेगेटिविटी ने घर कर लिया है, वो अब चाहे भी तो उससे निकल नहीं सकता। लेकिन आपके पर्सन, मैंने कहा आपको, भोले भाले हैं, इतने चालाक नहीं हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन के पक्के हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो है आपसे एज में कुछ लोगों के पर्सन बड़े हों, और जहाँ रिश्ते की खराबी की बात है, वो आपके पर्सन ने अपनी जितनी थर्ड पार्टी चालाक थी, आपके पर्सन उतने ही भोले भाले थे, उन चीज़ों को लेके रिश्ता खराब हुआ है। आपके पर्सन हो सकता है रोमांटिक ज़्यादा हों, फैशनेबल ज़्यादा हों, हर तरफ चीज़ों को ज़्यादा सीरियस ले नहीं लेते, ये मनमोजी किस्म के पहनने ओढ़ने का शौक हो। लेकिन थर्ड पार्टी जो है अपने सिक्के चला रही है,
वो आपके लिए चाहती है सिर्फ एक चीज, वो है इंतजार। क्योंकि वो जानती है जो भी कोई इंतजार करता है तो इंतजार एक हद तक ही होता है, उसके बाद हर कोई इंसान है भावुक होके इधर उधर अपना हिसाब बना लेता है। कई बार वो इस चक्कर में औरों से एडवाइस भी लेती है कि वो क्या करे, तो उसको यही मिलता है। और ये इंतज़ार कैसे करोगे आप कि आपके पास एक होप है, लेकिन आपके पर्सन को वो पूरी तरह काबू में रखती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है कि वो पर्सन सोचता है चीज़ें आगे ले जाने के, अच्छे बुरे की, थर्ड पार्टी की, जो दिमागी शतरंज खेल है उसको सब समझ आ रहे हैं, लेकिन वो पर्सन कुछ कर नहीं पाते। उनको थर्ड पार्टी की हर चाल, हर राजनीति समझ आती है। वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो वो बढ़ नहीं पाते, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? उनके पास में एक नेगेटिविटी है आसपास थर्ड पार्टी का, चाहे वो फैमिली है चाहे उनका कोई क्रश है, आसपास नेगेटिविटी है। और जब ज़्यादा नेगेटिविटी हो तो इंसान चाह के भी बाहर नहीं निकल सकता। आपके पर्सन की कंडीशन कुछ ऐसी है। चैरियट का कार्ड बताता है कि वो बुल्ड होके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनको सही गलत, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, कड़वा और मीठा सब चीज़ों का पता है, लेकिन बढ़ नहीं सकते क्योंकि थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल है। काफ़ी समय से वो इन चीज़ों को सोच रहे हैं लेकिन एक्शन लेते हुए डरते हैं। इसलिए ये चैरियट का कार्ड आया है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उस पर्सन का अभी भी बीच बीच में आप में ध्यान जाता है। उसको ऐसे लगता है कि आप ही हो और चाहता है आगे बढ़े और आपको प्रपोज करें, यानी कि आप लोगों की एंगेजमेंट हो। क्योंकि वो इस चीज़ को, आपके पर्सन जानते हैं कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आपके लिए क्या चाहती है? सिर्फ वेट। और वो वेट कैसे होगा कि वो आपके पर्सन को पकड़ के रखेगी मजबूती से, ताकि वो आपका पर्सन आपकी तरफ ना आए। सॉरी गाइस, बार बहुत शोर हो गया था, बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी। तो गाइस, थर्ड पार्टी सिर्फ चाहती है आपके लिए इंतज़ार, उसको आपका इंतज़ार ही प्यारा है। वो नहीं चाहती कि आपकी और आपके पर्सन की चीज़ें पहले जैसी हो। अंदर से इस चीज़ की उससे टेंशन रहती है, डरती है, और उसको ये भी पता है कि आपके पर्सन को किसी ना किसी एक वक्त तक रोक के ज़्यादा देर तक नहीं आगे रोका जाएगा। तो वो टाइम निकाल रही है क्योंकि वो जानती है हर इंसान का इंतज़ार जो होता है ज़्यादा लंबा होने पर वो टूट भी सकता है। क्योंकि आपके पर्सन जो है नेगेटिविटी से, आसपास की वजह से कदम नहीं उठाते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं और देखते भी हैं, आपका प्रोफाइल भी चेक करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि उनका और आपका कनेक्शन है, लेकिन जहां थर्ड पार्टी की सिचुएशन आती है वहां ये दिक्कत और बढ़ रही है। और मुझे लगता है वैसी वाइब आ रही है कि थर्ड पार्टी आपके लिए किसी और से कुछ ना कुछ पूछती भी रहती है, जैसे कि आपको और आपके पर्सन से कैसे दूर किया जाए। होता है ना कि वहाँ से पूछ लेते हैं, शायद वो कोई रेमेडी बता दे। तो ऐसी चीज़ें थर्ड पार्टी के मन में और दिमाग में चलती रहती है। लेकिन आपके पर्सन जो है चाहते बहुत कुछ है, लेकिन अभी उनको स्टेप लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। और जो थर्ड पार्टी है वो आपके लिए सिर्फ चाहती है इंतज़ार, और उसको पता है जैसे इंतज़ार लंबा होगा तो उसके रास्ते जो थोड़े बहुत बंद है वो भी खुल जाएंगे, यानी कि क्लियर हो जाएंगे। चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली है चाहे कोई क्रश है। फैमिली वाले भी चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा होने के बाद में पर्सन को दबाव पाके भी रोका जा सकता है। अभी आपका पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन थर्ड पार्टी सिर्फ आपको रोक के रखना चाहती है, आपकी चीज़ें जो है आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। लेकिन ये जो चैरियट का कार्ड है,
ये बताता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे भी, लेकिन पक्का नहीं कि इस टाइम उस बंदे की एनर्जी जो है स्टॉप है, स्लो है, सिर्फ माइंड में चीज़ें चल रही है लेकिन एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये चैरियट का कार्ड है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ नहीं आ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग का अभी तक कोई कार्ड नहीं नज़र आया। कि दिल में दिमाग में चलता है कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ करूं, है अच्छे बुरे की भी समझ आ गई है कि कहाँ कहाँ रिश्ते में गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ किसने मुझे धोखा दिया है, किसने मुझे परेशान किया है या किसकी गलती थी। इन सब चीज़ों की समझ आने के बाद वो पर्सन जो है अब समझदार हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, लेकिन उनके आसपास इतनी नेगेटिविटी है कि वो चाहकर भी आपके पास नहीं आते हुए दिख रहे। उनके दिमाग में, दिल में कई सवाल है, लेकिन थर्ड पार्टी आपको रोकना चाहती है, आपको और आपके पर्सन को थोड़ा दूर रखना चाहती है, और कई बार कहीं से किसी से कुछ पूछ के रेमेडी भी करती है जिससे आप लोग अलग हो जाओ, या आपके दिल में या आपके पर्सन के दिल से एक दूसरे के दिल दिमाग से निकल जाए। यहाँ थर्ड पार्टी गाइस फाइट करने में कम ध्यान देती है और दाव पे चलाने में ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी तो अपने रंग दिखा रही है। ये देखिए मैंने अभी आपको कहा ना कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई रेमेडी भी पूछने जाती है कि जिससे आप और आपके पर्सन कमज़ोर पड़ जाएं। तो यहाँ डेविल का कार्ड आया है, यानी कि वो अपने तीर चला रही है, दाव पेच खेल रही है। वो चाहती है कि एक दूसरे के दिल से, दिमाग से, तन से, मन से आप पूरी तरह निकल जाओ। ये डेविल का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर या आपके ऊपर कुछ करा कराया हो। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन चाहते तो बहुत कुछ हैं, क्या ये एक्शन लेंगे। लीजिए, मन खुश हो गया गाइस। ये निकला आपका कार्ड कि ये एक्शन लेंगे, तो इनको गाइज लगेंगे 10 वीक से लेके 10 महीने तक। और मैं आपको बता दूं ये एक्शन लेंगे, और जहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये भी बताता है ये एक्शन भी लेंगे और इनकी चीज़ें भी आगे जाएंगी। ये आप हम दो, हमारे दो वाली चीज़ें आपकी बनेंगी, लेकिन आप लोगों को परेशानियाँ और दुख के साथ, आपको अगर आप परेशानियों में हो, दुखी हो, तो आप अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए हीलिंग बहुत है। जितने आपके रिश्ते में ड्रामे हुए हैं या आने वाले टाइम पे ना हो, उसके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हील होती हैं चीज़ें, तब वैसे वैसे वर्क करने लगता है रिश्ता और बैलेंस बनने लगता है चीज़ों का। तो इसलिए आपको अपने आप को हील करना है। अपने जैसे जैसे आप खुद हील होगे, आपका रिश्ता भी हील होता है, तो आपके पर्सन आएंगे आपके पास। चलिए देखते हैं, डिवाइन बताइए मेरे जो प्यारे से व्यूर हैं, ये इनके लिए क्या एडवाइस है। ये अपने पर्सन के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। देखिए डिवाइन ने कितना प्यारा कार्ड निकाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून निकाला है। डिवाइन कहते हैं कि आपका जो है भाग्य बदलने वाला है। पास्ट में जो आप चल रहा है, आप बहुत परेशान, अगर दुखी हो, आपको ऐसे लगता है कि चीज़ें वर्क नहीं करेगी, थर्ड पार्टी ने बीच में टांग अड़ा रखी है, तो एक टाइम पे सब चीज़ें हट जाएंगी। यानी कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, लेकिन आपने पॉजिटिव बने रहना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, और रिश्ते में कोई दाव पेच नहीं खेलने। और जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आए,
एकदम पागल या दीवानापन नहीं दिखाना और अपने संस्कार और अपने बड़ों का आदर जरूर करना है, जिसके आपका रिश्ता जो है और भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि थर्ड पार्टी आपके लिए क्या चाहती है। तो वो आपके लिए ऐसी कंडीशन, ऐसे दाव पे चाहती है जिससे आपका इंतज़ार बढ़ता जाए और एक दिन आपके पर्सन और आप अलग अलग हो जाए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल के चैनल को सब्सक्राइब भी जो नए आए हैं, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।